सर्दियों में क्या हम लोग गर्मी के कपड़े पहनते हैं या गर्मियों में हम लोग सूट पहनते हैं? नहीं, अपने आप को हम लोग मौसम के अनुसार डालते हैं और मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। इसी प्रकार जो है खेती में, खेती में मौसम के अनुसार खेती की जाती है। आपके खेत के मृदा कैसी है, आपके खेत की मिट्टी का प्रकार कैसा है, आप बोनी कब कर रहे हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की किस्में किसान भाइयों। तो निश्चित से मानिए आपके खेत की मिट्टी के अनुसार और कब बोनी कर रहे हैं उसके अनुसार वैज्ञानिकों ने बहुत सारी सोयाबीन की किस्में लगाई हैं, निकाली हैं। उन किस्मों को आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, यदि आपको जुलाई बोनी करना है तो कौन सी किस्म लगाएं, यदि जून में बोनी करना है तो किसान भाइयों कौन सी किस्म लगाएं, उथली मिट्टी है तो कौन सी किस्म लगाएं और गहरी मिट्टी है तो कौन सी किस्म लगाएं। तो किसान भाइयों, किस्मों का चयन उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देता है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। किसान भाइयों, पिछले साल आपने देखा था कुछ किस्मों में बड़ा भारी नुकसान हो गया था, लेकिन कुछ किस्मों में बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए JS 2034, किसान भाइयों, मालवा में बहुत अच्छी पकी थी, इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई। और ये किस्म जो है 85 से 88 दिन पक जाती है किसान भाइयों और 20 से 22 क्विंटल उपज देती है। यदि आपको कम अवधि की किस्म बोना है तो किसान भाइयों JS 2034 लगा सकती है। मध्यम अवधि की किस्म लगाना है तो RBS 18 लगा सकती है किसान भाइयों। RBS 18 लगाई है आपने तो आप हार्वेस्टर से बहुत अच्छी तरह इसको काट सकते हैं, जमीन से 7-8 अंगुल ऊपर फलियां आती हैं इसमें। इसलिए किसान भाइयों, यदि हार्वेस्टर से काटना चाहते हैं वो बड़े किसान हैं तो RBS 18 लगाइए। इसी प्रकार यदि आपको 88 से 95 दिन की फसल लगाना है, किस्म लगाना है, तो किसान भाइयों RBS 24 बहुत अच्छी किस्म है और ये हमारे मालवा से ही निकली है। मालवा मतलब सीओर अनुसंधान केंद्र से निकली है किस्म, इसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद JS 2069 है किसान भाइयों। इसके बाद NRC 130 किस्म जो अभी निकली है किसान भाइयों, इसमें विभिन्न प्रकार की किस्में आप लगा सकते हैं। बोनी कब करना है, यदि आपको जल्दी बोनी करना है तो लंबी अवधि की किस्में लगानी है और यदि आप लेट बोनी करते हैं तो निश्चित रूप से फसल को पकने में कम समय मिलेगा, तो कम अवधि की किस्में लगाना है। तो किसान भाइयों, जैसा मौसम जैसा खेत वैसा कुछ किस्मों का चुनाव ये आपके ऊपर निर्भर है। और किस्मों का चुनाव आपने किया तो निश्चित रूप से मानिए आपकी उपज बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी।